अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो डिजिस्किल की तरफ से न्यू बैच 04 का आगाज़ कर दिया गया है, जो कि 1 फेब से हो चुका है। 1 फरवरी से आप लोग न्यू एनरोलमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये अदारा है वीयू की तरफ से डिजिस्किल्स का, जो 3 मंथ के कोर्सेज करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं 1 फरवरी से। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करता चलूँ, जो आपकी लास्ट डेट है इसकी इनरोलमेंट की, वो 30 फरवरी है। बैच 4 की जो लास्ट डेट है वो 30 फरवरी है, लेकिन आपने उसका इंतज़ार नहीं करना लास्ट डेट का, क्योंकि इसकी जो सीटें होती हैं वो कुछ मतलब 2.5 लाख सीट्स होती हैं और वो 5-6 दिनों में रिजर्व हो जाती हैं। अगर तो आपको इनरोलमेंट करनी है तो आपको 6 फरवरी तक या 5 फरवरी तक इनरोलमेंट करनी होगी, अदरवाइज़ उसके बाद सीट्स नहीं बचेंगी। और अगर खुदा ना खास्ता आपके लिए सीट्स नहीं बचती, मतलब आप इनरोलमेंट में से रह जाते हैं बैच 4 के लिए, तो आपको फिर इंतज़ार करना चाहिए पड़ेगा नेक्स्ट 4 मंथ का। मतलब आफ्टर 4 मंथ बैच 5 स्टार होगा, आप उसके अंदर इनरोलमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रोफाइल का स्टार्ट डेट या लास्ट डेट से कोई अमल दखल नहीं है। अगर आपको प्रोफाइल बनानी है वो आप किसी भी वक्त बना सकते हैं, मतलब अगर सीट्स ख़त्म भी हो गई हैं तो आप अपनी प्रोफाइल बना के रखें, क्योंकि उसमें कुछ टाइम लग जाता है। वो अब आपने अपने डेटा वगैरह वहाँ पर पुट करना होता है और उसमें कुछ टाइम लगता है, तो वो आप किसी भी वक्त बना सकते हैं। और फिर जब बैच 5 स्टार्ट होगा या फिर अगर बैच 4 में ही आप करना चाहते हैं इनरोलमेंट और सीट्स पड़ी हैं, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपने इनरोलमेंट कैसे करनी है, सबसे पहले तो इसमें अकाउंट वगैरह बनाना होता है, प्रोफाइल बनानी है। अगर तो आप न्यू यूज़र हैं, आपने पहले इस पर अकाउंट नहीं बनाया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उसका वीडियो का, वहाँ वो देख के आप इसकी प्रोफाइल बना सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में मैं सिर्फ बताऊँगा, जिन्होंने प्रोफाइल बना ली है, बनाने के बाद आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है। आप इसमें 2 कोर्सेज रख सकते हैं। अगर तो आप पहली दफ़ा रख रहे हैं तो पहला आपको फ्रीलांसिंग और उसके साथ कोई भी कोर्स, 15-20 कोर्सेज हैं उनमें से कोई रखना होगा। और अगर आपने फ्रीलांसिंग वाला कर लिया है तो उसके बाद आप कोई भी 2 कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये फ्रीलांसिंग है क्या, इसके बारे में एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और आपने प्रोफाइल कैसे बनानी है इसके बारे में मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो उस ईमेल पे दोबारा अकाउंट नहीं बनेगा। अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो हम एक न्यू गूगल पे जाते हैं, वहाँ पर आपने जस्ट लिखना है www.digiskill.pk। तो ये इनकी मेन वेबसाइट है, आप इस पर चले जाएँगे मेन वेबसाइट पर। मेन वेबसाइट पे आपको ऑल कोर्सेज भी मिल जाएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, लेकिन वो आपके LMS में भी मिल जाएंगे। ये भी एक LMS ही होगा जब आप इसको लॉगिन करेंगे। अब इसके अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ से आपने राइट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे साइन इन का भी ऑप्शन है और साइनअप का भी ऑप्शन है। साइनअप मीन जिन्होंने पहले इस पर अकाउंट नहीं बनाया वो साइनअप पर जाएंगे, जिनके पास अकाउंट है वो साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने से आपके पास LMS लॉगिन पेज सामने आ जाएगा। यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड लिखेंगे जो आपने कभी लगाया होगा, अगर आपको नहीं याद तो नीचे रीसेट का ऑप्शन है, आप रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल और पासवर्ड लिख दिया है। अब नीचे जो साइन इन है, मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा LMS लॉगिन हो जाएगा। ये हमारा LMS ओपन हो चुका है, जिसके अंदर अनाउंसमेंट एक आपको नजर आ रही होगी, बैच 3 के सर्टिफिकेट्स हैं वो 9 फरवरी को इशू किए जाएंगे। तो ये सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो कोर्स के तकरीबन 1 मंथ के अंदर अंदर आपको मिल जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि एनरोल कैसे करना है। ये देखें, अब ये मेरे प्रीवियस के हैं, प्रीवियस जो मैंने किए हुए हैं वो प्रीवियस बैच 2 पर मैंने किया था, तो ये बैच 2 का शो हो रहा है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ये जो आपने न्यू एनरोलमेंट करनी है, बैच 04 लिखा हुआ है। अब इसकी प्रोफाइल सब कुछ बन चुका है, आपने जस्ट इसकी कोर्स सिलेक्शन करनी है। कोर्स सिलेक्शन के लिए आप बैच 4 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑल कोर्सेज शो हो जाएंगे, जो जो कोर्स भी यहाँ पे हैं। अब ये कोर्सेज आपने, मैंने बताया जैसे कि अगर तो सीट्स ख़त्म हो गई तो आप तो नहीं ले सकेंगे, अगर सीट्स बचती हैं तो आप यहाँ से 2 कोर्सेज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं तो आपको फ्रीलांसिंग मस्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये फ्रीलांसिंग करेंगे और इसके साथ आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग कर चुके हैं पहले तो आप कोई और 2 कोर्स कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं स्क्रॉल करूँ राइट की तरफ तो ये देखें, इसकी ड्यूरेशन लिखी हुई है कि 12 वीक्स का हर कोर्स है, 12 वीक्स का है, उसके साथ डिटेल्स लिखी हुई हैं। अगर आप किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कोर्स किस बारे में है, तो आप डिटेल्स में व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करें तो आपको एक मिनट की या 1.25 मिनट की वीडियो आपको दिखेगी, जिसके अंदर उस कोर्स के अबाउट इन्फॉर्मेशन है। अब काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि मैं ये कोर्स करूं या वो कोर्स करूं, आप इनमें से देखें जो कोर्स आपको अच्छा लगता है, उसकी व्यू डिटेल्स में जाके उसकी वो वीडियो देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोर्स किसके अबाउट है, आपको करना चाहिए या नहीं, आप इंटरेस्ट हैं या नहीं, तो वो चीज़ आप व्यू डिटेल्स के बाद जानिएगा। तो अभी मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, एक विजुअल असिस्टेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और एक कम्युनिकेशन, 2 मैंने सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक करूँगा, सेव पे क्लिक करने के बाद ये ओके पे क्लिक किया तो मेरे कोर्स यहाँ से सिलेक्ट हो चुके हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि सिलेक्ट हुए हैं या नहीं, तो वो आपने होम में जाके देखना है। ये ध्यान करिएगा, होम में जाके देखिएगा कि सिलेक्ट हो चुके हैं या नहीं हुए।
बाज़ अवक़ात होता है कि किसी एरर की वजह से सेलेक्ट नहीं होते। अब यहाँ पे आप होम में जाएंगे, ये देखें सेव सक्सेसफुली आ चुका है। अभी मैं होम पे जाऊँगा, होम पे मुझे वो दोनों कोर्सेस शो हो रहे होंगे, ये देखें माई कोर्स बैच फोर, बैच फोर में मेरे पास कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट दोनों कोर्सेज शो हो रहे हैं। और बाकी प्रीवियस कोर्स मतलब प्रीवियस बैच में मैंने जो भी किए थे वो भी कोर्सेज होते रहेंगे मुझे, मैं उनकी वीडियोस भी किसी भी वक्त देख सकता हूँ। अब यहाँ पे लिखा रहा है वीक ज़ीरो बाय ज़ीरो, मतलब ये स्टार्ट होगा 1 मार्च से और 1 मार्च के बाद इसका प्रोग्रेस इसकी स्टार्ट होगी, इसकी असाइनमेंट्स या लेक्चर्स जो भी होगा वो 1 मार्च के बाद होगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। इसका हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप भी अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में देखें तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डीजी स्किल की पूरी प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी, आप उस प्लेलिस्ट को भी सेव करके रख लीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी अहम बात लगी है, मतलब वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।